अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन के कीमे के कोफ्ते। ठीक है, और उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने चिकन ले लिया। ठीक है, आप बोनलेस ले लें या विद बोन लेके तो उसको आप कर लें, जैसे भी आप इजी फील करें। तो मैंने चिकन लेके उसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है चॉपर में। उसको मैंने बिल्कुल एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर दे के लाइक दिस मैंने उसे चॉप कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें एक पूरी बड़ी प्याज चॉप करके डाल लिए। ठीक है, ग्रीन चिलीज चॉप करके प्याज के साथ ही चॉप करके डाल लिए। 3 चम्मच मैंने बड़े 3 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन डाला, 1 मैंने अंडा, और उसके बाद मैंने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी डाल के एज़ पर योर टेस्ट। तो मैंने इसको ये बहुत अच्छा सा इसका ये मिक्सचर तैयार कर लिया। ठीक है, अब मैं इसके बनाऊंगी छोटे छोटे बॉल्स कोफ्ते के फॉर्म में, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बन जाएंगे। सो ये मैंने अपने कोफ्ते बना लिए हैं सेम साइज़ के, बहुत आउट क्लास बने हैं। अब मैं इनको क्या करूँ, क्योंकि मैंने जल्दी से खाना बनाना है, इफ्तारी का टाइम होने वाला है। टाइम तो खैर नहीं, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, लेकिन मैंने और भी काम करना है। सो दैट्स वाई मैं इसके लिए क्या करूँगी, आप इसको ये करेंगे, मिक्सचर को आप थोड़ी देर के लिए आधे घंटे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। ठीक है, ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए, तो फिर कोफ्ते बनाएं आप। और कोफ्ते बनाने के बाद भी आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या आप इसको फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी देर के बाद आप इसको पका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मसाला भून के उसमें फेंक दें तो वो भी गल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं इसको हल्के से सौते करके लाइक थोड़े से फ्राई करके मैं एक साइड पे रख के देन मैं उसका सालन बनाऊँगी। तो ये आप मस्त ट्राई करें, ये बहुत मज़े के बनेंगे। ठीक है, घर में साफ़ सुथरे, बजाय कि बाज़ार का कीमा करके और बाज़ार का वो ला के, तो बजाय आप ये करें, आप घर में चिकन ला के उसको चॉपर में डाल के खुद चॉप करके अपनी मर्ज़ी से मज़े के आप कोफ्ते बना सकते हैं। जब ये नया सालन बन जाएगा, आई विल मस्ट शो यू कि कैसा बना है, बहुत मज़े का बनेगा, आउट क्लास, आउट क्लास। Yummy.